हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैट इन आइडल दोस्तों प्रोड्यूसर साजिद कुरैशी और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फिल्म बैड बॉय स्टारिंग नमाशी चक्रवर्ती एंड अमरीन कुरैशी नमाशी चक्रवर्ती जैसे आप जानते हैं द सन ऑफ सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती द इंडियन माइकल जैक्सन जिनको नाइनटीन में खिताब मिला था डिस्को डांसर फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती जी को ये टाइटल मिला था इंडियन माइकल जैक्सन क्योंकि जब वो स्क्रीन पर डांस करते थे तो लोग स्क्रीन पे पैसे फेंकते थे सीटियाँ और तालियाँ बजती थी और ये जब इन्होंने इस पिक्चर में छोटी झलक मारी तो लोगों ने तालिया और सीटियाँ बजाई तो द करिश्मा और मिथुन चक्रवर्ती तो उनके बेटे नमाशी चक्रवर्ती तो ये फिल्म मैंने फाइनली जी सेवन मल्टीप्लेक्स में देख ली और फिल्म मुझे अच्छी लगी टाइम पास लगी थ्रू आउट द फिल्म मजा आ गया इट्स नॉट अ ग्रेट फिल्म क्योंकि स्टोरी उतनी नई नहीं है आपको नाइन्टीज की फिल्मों की याद दिलाई स्पेशली जो क्लाइमेक्स है वो आपको माधुरी दीक्षित और आमिर खान की फिल्म दिल की याद दिलाएगा कुछ कुछ जगह पे आपको राजकुमार संतोषी की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की झलक दिखाई देगी लेकिन इंस्पायर ऑफ़ दैट यू विल लाइक द फिल्म क्योंकि उसके जो स्क्रीन प्ले है काफ़ी मज़ेदार है उसके डायलॉग्स काफ़ी मज़ेदार है तो आपको फर्स्ट शॉट से लेकर आखिरी शॉट तक मज़ा आएगा अब पूरी तरह से एंटरटेन हो जाएगा क्योंकि स्क्रीन भी अच्छा है डायलॉग्स भी अच्छे हैं कॉमेडी डायलॉग्स है और गाने भी पिक्चर के बहुत अच्छे हैं वो जना आली वो गाना बहुत अच्छा है उसके आलम ना पूछो दूसरा और दो दिन का गाना बहुत मस्त गाना है तो सॉन्ग्स भी अच्छे पिक्चर के तो आपको मज़ा आएगा फिल्म देख के वैसे नहीं बोला कि बहुत ग्रेट फिल्म बनाएगी राजकुमार संतोषी ने ये बेटा टाइम पास फिल्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में और मुझे थिएटर में बिठा के रखना पूरी फिल्म तक वो तो बहुत ही मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपको तो पता है मैं इंटरवल में भाग जाता हूँ अभी लास्ट विक फिल्म रिलीज हुई थी सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान वो चालीस मिनट में देख के मैं थिएटर छोड़ के भाग गया इतनी बकवास पिक्चर थी तो और ये फिल्म बैड बाय मैंने पूरी देखी अब अगर मैं पूरी फिल्म देख रहा हूँ मैं समझे अच्छी की फिल्म इज नॉट अ बैड फिल्म इन स्पाइट ऑफ अ ओल्ड स्टोरी बट गुड स्क्रीन पे एंड गुड परफॉर्मेंस मज़ा आएगा आपको थ्रू आउट द फिल्म मज़ा आप इन्जॉय करोगे पूरी पिक्चर परफॉर्मेंस की बात करें तो नमाशी चक्रवर्ती हैज़ डन अ फंटेस्टिक जॉब उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है किस तरह से जॉनी डेवर के साथ उनके बैंड बजाते वो बहुत अच्छी तरह उनकी कॉमिक टाइमिंग जॉली लेवर से मिलती है और बाकी सीन में भी उन्होंने कॉमिक टाइमिंग उनकी बहुत अच्छी है और उनका डांस तो ज़ाहिर बहुत अच्छा ही होगा मिथुन चक्रवर्ती बेटे डांस तो अच्छा ही होगा तो डांस भी अच्छा है कॉमेडी भी अच्छी उन्होंने की है एक्शन भी अच्छा किया है और इमोशन सीन में भी वो अच्छा आ गया, गया। स्पेशली क्लाइमेक्स में एक सीन है जब वो हॉस्पिटल में बोलते अगर मैं चाहता तो मेरा बाप दुकान बेच के भी पैसे ले आता मेरा दोस्त रिक्शा बेच के पैसे ले आता लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था और मेरी मजबूरी का फ़ायदा आपने उठाया डैट वॉज सुपर वो पूरी सीम में वो बहुत अच्छी तरह से इमोशन में पूरा छा गए वो सो ई इज़ वेरी गुड इन ऑल द डिपार्टमेंट अमरीन कुरेशी लुक्सप्रीटी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है बहुत अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने नमाशी को दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी है और गाने में वो बहुत अच्छी लग रही है स्क्रीन पेजन भी उनका अच्छा है स्पेशली वो जो गाना है आला मुन्ना पूछो उसमें एक रेड गाउन पहन के आ रही है सुपर लग रही हो सुपर गॉर्जियस दिख रही हो तो वो गाना बहुत अच्छी लग रही है काम भी उन्होंने अच्छा किया है उसके अलावा थर्ड नंबर पर कोई आता था दैट जॉनी लीवर ही वॉज सो जो पब्लिक मतलब फांस के पब्लिक का मतलब लोट पड़ोगे ऑडियंस और उनका और मिथुन चक्रवर्ती के बेटे का जो सीन है वैसे वो लींबू का सीन हो उनको शरबत पिला देते हो तो मुझे तो देखिए लींबू और कटा हुआ नारियल मेरे रिक्शे में कुछ छोड़ के वही मैंने दैट वॉक पब्लिक हंस के पागल हो गई थी तो जॉनी लिवर इज़ गुड स्पेशली जॉनी लिवर मिथुन संत है उनका कॉमेडी बहुत अच्छी है मजा आ गया उसके अलावा जो हीरोइन के बाप का जिन्होंने रोल किया है और हीरो के बाप का रोल जिन्होंने किया उन दोनों की भी कॉमेडी अच्छी है बहुत अच्छी है एक सीन है जहाँ पे कॉलेज में जब लोग जाते हैं तो एक दूसरे के बाल नोच के फेंकते वो भी बहुत अच्छा सीन कॉमेडी सीन है वैसे बहुत सारे सीन है आपको मज़ा आएगा थिएटर में उसके अलावा एक छोटे से शॉट में कैम में, में राजपाल यादव है वो भी पब्लिक ने बहुत सीटियाँ बजाई थी तो मज़ा आ गया और एक जनाब अली गाने में मिथुन चक्रवर्ती दादा ने एंट्री मारी आज भी उन पर लोगों ने सीटियाँ बजाई दोस्तों जो डिस्को डांसर नाइनटीन में जब मिथुन जी ने बोला था आई एम अ डिस्को डांसर डांस डैन कसम पैदा करने वाली की बहुत सारी फिल्में प्रेम पति या मुजरिम जब भी मिथुन जी डांस करते थे लोग पैसे फेंकते थे सीटियाँ तालिया बजाते थे तो आज भी जब उन्होंने एंट्री मारी लोगों ने सीटियाँ तालिया बुझाई दैट इज इंडियन मैगल गाइस एज़ अ रियल सुपरस्टार। तो फाइनल वर्डिक ऑफ बैड बॉय इज़ अ गुड फिल्म गुड एंटरटेनिंग फिल्म नॉट अ ग्रेट फिल्म टाइम पास फिल्म नॉट अ न्यू प्लॉट न्यू स्टोरी बट गुड स्क्रीन पे एंटरटेनिंग स्क्रीन पे गुड म्यूजिक गुड परफॉर्मेंस बाय नमाशी एंड आमरीन जॉनी लिवर एंड अदर्स इट्स अ फुल ऑन एंटरटेनमेंट ये फिल्म ईद पे रिलीज़ होती है तो कुछ और ही बात होती है तो ईद के दिन सलमान खान की फिल्म रिलीज़ हुई किसी का भाई किसी की जान और किसी को पसंद नहीं आई तो ये फिल्म रखती तो ऑडियंस को एक अच्छी फिल्म देखने का मौका मिलता और नमाशी चक्रवर्ती अब देखो नाइनटीन एट्टी फोर एटी फाइव में एक फिल्म आई थी आई थिंक के विश्वनाथ या राकेश रोशन ने एक फिल्म या जीवम प्रकाश तीनों में से किसी ने फिल्म बनाई थी जा घुटा इंसान उसमें जो मिथुन चौकरी जिस तरह दिख रहे हैं ना वही झलक दिख रही है नमाशी की इस पिक्चर में कुछ सीन में जाग उठा इंसान मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म श्रीदेवी के साथ थोड़ा तो झलक इसमें दिख रही है मिथुन चक्रवर्ती उनके बेटे तो जाहिर पर झलक दिखेगी तो गाइज वॉच बैड बॉय ओनली एंड ओनली इन थिएटर्स इंस्पायर्ड ऑफ द मल्टीप्लेक्स एड नॉट गिव प्रॉपर शोज टू दिस फिल्म उनको ऑट शोज मिले बहुत कम शोज मिले तो कलेक्शन बहुत कम होगा क्योंकि दे हैव नॉट गिव प्रॉपर शोज पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं वो लोग बहुत कम शोज दिए तो देखते हैं क्या होता है लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऑडियंस से गो एंड वॉच दिस फिल्म ओनली एंड ओनली इन थिएटर्स डोंट थिंक दैट नमाशी चक्रवर्ती इस मिथुन चक्रवर्ती सन तो उनको आसानी से फिल्म मिल गई उतनी आसानी से फिल्म नहीं मिली उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया ये फिल्म लेने के लिए और आप देखो उनका परफॉर्मेंस आपको अच्छा गया आमरीन कुरशी का भी परफॉर्मेंस आपको अच्छा गया पूरी कास्ट की परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगेगा दिस फिल्म इज अ गुड एंटरटेनिंग फिल्म टू बी वॉच विद द एंटायर फैमिली तो गो एंड वॉच ओनली एंड ओनली इन थिएटर सो थिएटर्स सब्सक्राइब मैं चैनल सब्सक्राइब चैनल टिल मैं चलें गुड बाय गॉड ब्लेस यू ऑल